फ्रेंड्स, आप सभी का जेन्युइन क्योर होम्योपैथिक क्लिनिक एंड टारगेट आईपीजीटी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर्यन भारती। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द सीवीएस। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे उसमें? मर्मर के बारे में। मर्मर किस कंडीशन में मिलेंगे, तो आइए बात करते हैं। सैड करके याद करते हैं, तो एस फॉर सिगल मर्मर, ए फॉर ऑस्टियन फ्लेट मर्मर, डी फॉर ड्यूरोजिस मर्मर। ये तीन मर्मर हैं जो एक ही डिजीज कंडीशन में मिलता है, दैट इज नोन एज एओर्टिक रिगर्जिटेशन। बट स्पेशली अगर ऑस्टियन फ्लेट मर्मर की बात की जाए तो सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा तो उस कंडीशन में मिलेगा। अनदर मर्मर की बात करते हैं तो गिब्सन मर्मर के बारे में बात करते हैं, तो गिब्सन मर्मर जो होता है एक डिजीज कंडीशन में मिलता है, दैट इज नोन एज पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस, दैट इज PDA। बट अगर ग्राहम स्टील मर्मर की बात करते हैं, ग्राहम स्टील मर्मर सिर्फ एक डिजीज कंडीशन में मिलता है, दैट इज पल्मोनरी रिगर्जिटेशन के केस में। अनदर मर्मर की बात करते हैं लाइक कार्वेलो मर्मर, तो कार्वेलो मर्मर जो होता है दो डिजीज कंडीशन में मिलता है, द फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, सेकेंड इज द सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। अनदर मर्मर की बात करते हैं दैट इज कैरिकू मर्मर, तो वो दो डिजीज कंडीशन में मिलता है, द फर्स्ट डिजीज कंडीशन इज एक्यूट माइट्रल वेल्वुलाइटिस, द सेकेंड इज रूमेटिक फीवर। अनदर बात करते हैं जो कि लाइक प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी सफल मिल रहा है, यूट्राइन सफल, तो स्पेशली वी विल फाइंड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। अनदर अगर मेमोरी के अंदर सफल मिल रहा है तो वो फाइंड होगा स्पेशली इन केस ऑफ कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया की केस में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।